मीर उर्फी के लिए उनका पेशा ही जिंदगी है। वो मानवाधिकार मामलों की माहिर वकील हैं और श्रीनगर की इस जिला अदालत में हर रोज घंटों काम करती हैं। ये शहर हिमालय में बसे भारतीय कश्मीर का हिस्सा है, जिसके लिए दशकों से भारत और पाकिस्तान में संघर्ष होता रहा है। मीर उर्फी मुश्किल मुकदमे लड़ती हैं, खासकर ऐसे जहां स्थानीय लोगों के खिलाफ कानूनों का गलत इस्तेमाल हुआ हो। इस काम के अपने खतरे हैं। अब आप डर के तो जीते भी हो, फिर आप सीख लेते हो डर के जीना भी। मीर अपने दिन की शुरुआत नमाज से करती हैं। इस्लाम में आस्था रखने वाली कश्मीरी मूल की मीर बचपन से ही अपनी पहचान और उसके मायने जानती हैं। जब वो छोटी थी तो पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन वकीलों पर पढ़े एक लेख और अपने पिता की वजह से मीर ने कानून पढ़ने का फैसला किया। आपराधिक मुकदमे लड़ने वाली मीर आज कोर्ट में होने वाली बहस की तैयारी कर रही हैं। वो सुनवाई से पहले रिसर्च करना पसंद करती हैं। उन्हें बखूबी पता है कि कश्मीर जैसी जगह में एक वकील की क्या भूमिका है। लॉयर का रोल एक डिस्प्यूटेड एरिया में क्या होता है। इट्स नॉट ओनली कश्मीर, मैं कहूंगी डिस्प्यूटेड एरिया में, क्योंकि ये डिस्प्यूट जो होता है इस चीज को सप्रेस करने के लिए लॉ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मिसयूज ऑफ लॉ हो जाता है। इनमें लोगों को डिटेन किया जाता है, दे आर पुट बिहाइंड बार्स, तो वहाँ एक लॉयर का रोल आ जाता है और बहुत से राइट्स डिनाई किए जाते हैं। तो राइट्स को आपको अपहोल्ड करने के लिए यू अप्रोच कोर्ट। मीर के पति भी वकील हैं। हर सुबह जब दोनों इकट्ठे काम पर जाते हैं, उनके बीच ज्यादातर बातें मुकदमों के बारे में ही होती हैं। मीर कहती हैं कि विवादित क्षेत्र में रहने की अपनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब वो कानूनी पेशे में आई तो हालात की गंभीरता का सही अंदाजा लग गया। डर तो हमेशा ही था, एक तनाव तो हमेशा रहा। एक तो प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, कहीं भी आपको कोई रोक सकता है, कहीं भी आपके घर कोई भी पुलिस वाला, सिक्योरिटी वाला, फॉर दैट मैटर कोई भी गनमैन, दे कैन एंटर योर हाउस। सिक्योरिटी जो होती है कि ना, नहीं आई विल नॉट बी कॉल्ड बाई पुलिस, आई विल नॉट बी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है मुझे क्यों बुलाएगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ मैटर ही नहीं करती। आपने कुछ किया हो या ना किया हो, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। वकीलों के चैम्बर में पहले से ही कई लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मीर के आते ही कई लोग उनके पास पहुंचते हैं और अपने मामलों में मदद मांगते हैं। वो बताती हैं कि पिछले 2 साल में हालात और भी बुरे हो गए हैं। लोगों में डर, धमकी और अविश्वास का माहौल है। उनके मुताबिक लोगों को जेल में डालने के लिए अस्पष्ट कानूनों का गलत इस्तेमाल, नजरबंद किया जाना या फिर जमानत के लिए मौके ना मिलना इस डर की वजह है। द पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA ऐसा ही एक कानून है। ये महिला अपने बेटे के लिए मदद मांगने आई है, जिसे PSA के तहत जेल में डाल दिया गया है। मीर उन्हें हिम्मत बंधा रही है। ये कानून उन लोगों को नजरबंद करने की इजाजत देता है जो सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में कानून व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनतालीस साल के शकील अहमद भट्ट लगभग 2.5 दशक जेल में बिता चुके हैं। नौजवान शकील ने भारतीय शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया था।
तब उन पर कई मामले दर्ज हुए। इनमें से कुछ मामलों में शकील के लिए मीर लड़ रही हैं। करीब 2.5 साल पहले शकील को PSA के तहत जेल में डाल दिया गया था। 15 अगस्त हो, 14 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 27 अक्टूबर हो, या किसी बाहर किसी चीफ मिनिस्टर को आना हो, पहले शकील को गिरफ्तार करो या केसेस मेरे ऊपर लगाते हैं ताकि कोर्ट में बिजी रहे। ये है नौजवान शकील। इन्हें प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। शकील कहते हैं कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उनका छोटा भाई सज्जाद 4 महीने से सलाखों के पीछे है। उन पर भी PSA लगाया गया है। उनकी पत्नी तबस्सुम को पता नहीं है कि वो अपने पति को फिर से कब देख पाएंगी। वो तो बहुत महसूस हो रहा है अकेलापन। एक तो ये तो 4 महीने हो गए ना मुझे, अभी मतलब कभी भी इन 10 सालों में इतना महसूस नहीं हुआ जितना कि आज महसूस हो रहा है। इन 4 महीने जैसे कि 4 साल लग गए उसको वहाँ पे, और बच्चे भी इतना कमी महसूस हो रही है उनकी। ये रो रहे हैं बार बार कसम से। जब उनको ले गए तो बच्चे ढूंढ रहे थे वो को कि वो कहाँ गए। फिर मैंने बोला उनको पुलिस वाले ले गए। बोले कि क्यों ले गए पुलिस वाले। फिर उन्होंने अपने अंकल से सुना कि PSA लग गया, PSA लग गया। ये बोल रहे थे बच्चे क्या PSA क्या होता है। तबस्सुम कहती है कि अपनी अब तक की शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने स्थानीय पुलिस को बार बार सज्जाद को बुलाते और कई दिनों तक बिना किसी स्पष्टीकरण के जेल में बंद करते देखा है। पिछले 2 वर्षों में ये स्थिति और खराब हुई है। अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत की राष्ट्रवादी सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य के दर्जे को निरस्त कर दिया था। इस कदम के बाद एक लंबे अरसे तक एहतियाती लॉकडाउन लगा, संचार साधन बंद किए गए और बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई। कश्मीर के लिए ये नया नहीं है, 7 दशकों से ऐसा होता आया है। 1947 में विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। दोनों देश जम्मू कश्मीर पर अपना दावा जता रहे थे। संघर्ष के बाद भारतीय प्रशासन ने इस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया था। विभाजन के बाद यहाँ के लोगों से जनमत संग्रह कराने का वादा किया गया था ताकि वो चुन सकें कि दोनों में से किस देश के साथ रहना चाहेंगे। ये जनमत संग्रह कभी नहीं हुआ। उसी वक्त से हिमालय की चोटियों, खूबसूरत घाटियों और झीलों के लिए मशहूर कश्मीर ने लगातार हिंसा और मुश्किलों भरा वक्त देखा है। ये इलाका दुनिया के उन इलाकों में से है जहाँ सैन्य बलों की सबसे ज्यादा तैनाती है। श्रीनगर की सड़कों से गुजरते हुए मीर कहती हैं कि कश्मीरी अब पहले से कहीं ज्यादा अलग थलग महसूस कर रहे हैं। शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शनों पर पाबंदी है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर राय रखने से भी कई लोग कानूनी पचड़ों में फंसे हैं। 370 जैसी चीज हटी लेकिन लोग प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहे। रीजन क्या था कि इतनी मास अरेस्ट हुई, खुद गवर्नमेंट का फिगर था कि 5000 कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। आप इसी से समझ रहे हैं कि अगर वो बोल रहे हैं इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, देन व्हाई पीपल वेयर केप्ट अंडर कर्फ्यू। लोगों को कर्फ्यू में क्यों रखा गया? क्योंकि एक डर क्रिएट करने की कोशिश की गई। पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी है जो 90s से मिसयूज हो रहा है, उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट भी आई है, और 370 हटने के बाद तो बहुत ज्यादा मिसयूज हो ही रहा। तबस्सुम सज्जाद समेत कई लोगों की तरह ही पेशे से दुकानदार 30 साल के आकिब भट्ट भी घाटी की अशांति का शिकार रहे हैं। आर्टिकल 370 के बेअसर होने से 4 दिन पहले उन्हें PSA के तहत हिरासत में लिया गया था और जम्मू कश्मीर से बाहर एक जेल में भेज दिया गया था। जब से 2019 का मसला हो तो तब से, जब से मैं वहां से आया वापस, तो तब से पुलिस तो तंग कर रही है, बार बार थाने में बुला रही है, क्योंकि जाना तो पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो पुलिस रात को छाप मारेगी। 1 बजे 2 बजे घर आती है तो घर वाले भी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें लगातार निशाना बनाया गया है क्योंकि वो श्रीनगर के एक इलाके से हैं, जिसे ऐतिहासिक तौर पर भारतीय प्रशासन के खिलाफ विरोध के केंद्र की तरह देखा जाता है। वो तो पुलिस ने पहले ही बताया कि अगर यहाँ से कुछ हुआ तो आप ही, जैसे यहाँ पर टारगेट पे 5-10 लड़के हैं तो हम आप ही को उठा लेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के बगैर अभी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने बताया कि आप ही को जाना है अंदर। आकिब कहते हैं कि वो दिन रात डर में जीते हैं।
हमने कई और लोगों से बात की, वो भी डर के एहसास में जीते हैं। वो कहते हैं कि बात रखने की आज़ादी छिन गई है क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या बात उन्हें परेशानी में डाल दे। दूसरी तरफ केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि लोगों को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। साथ ही वो कहते हैं कि यहाँ पारदर्शिता और जवाबदेही भी है जो कानून के गलत इस्तेमाल को रोकती है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर मानते हैं कि थोड़ा डर होना भी जरूरी है। मैं कहता हूं डर जरूरी है और डर होना चाहिए। किन लोगों को? जो कल तक, जिन्होंने कल तक सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान के खिलाफ, देश के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी, वो लोग, उन लोगों के दिल में डर है। जब तक आप देश एंटी नेशनल एलिमेंट्स के दिल में डर नहीं बिठाओगे तो एक पॉजिटिव चेंज कहाँ से लाओगे? पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये डिफाइन कौन करेगा, कौन नेशनलिस्ट है और कौन एंटी नेशनलिस्ट है। मैं इन सब पार्टी से बोलती हूँ, क्या आप नेशनलिस्ट कहलाने का हक रखते हैं? अगर आप एंटी नेशनल लोगों को बोल रहे हैं, मासेस, जनरल मासेस, दे आर नॉट सपोर्टिंग यू, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिन भर के काम के बाद घर लौटने से पहले मीर कुछ देर के लिए इस कैफे में रुकी है। वो खुश हैं कि उनका परिवार उनके काम का समर्थन करता है, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि इसमें खतरा भी है। वो जानती हैं कि कभी कभी उन पर नजर रखी जाती है और उनके फोन कॉल टैप किए जाते हैं। रिस्क फैक्टर तो हर प्रोफेशन में होता है और मेरे प्रोफेशन में शायद ज्यादा है, और जो मैं जिस तरह के केसेस करती हूँ उसमें ज्यादा है। बट मुझे एक और चीज भी लगता है कि अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा कुछ ऐसा तो फिर वो होके रहेगा, और जो नहीं लिखा होगा वो नहीं होगा। अब आप डर के तो जीते भी हो, फिर आप सीख लेते हो डर के जीना। मीर कहती हैं कि वो अपने पेशे से प्यार करती हैं और जब तक ताकत है इसी तरह काम करती रहेंगी। फिलहाल वो कह रही हैं कि ये परिवार के पास घर लौटने का वक्त है। मीर को उनकी सास का फोन आ रहा है। मीर फोन पर बता रही हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गई हैं और जल्द ही घर पहुंच जाएंगी।